हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? कल बच्चों क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में केमिस्ट्री में बताया था कि कितने चैप्टर पढ़ने हैं, बायोलॉजी में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, और हमने फर्स्ट चैप्टर का मैटर इन आवर सराउंडिंग का मैटर का यू कह सकते हैं कि उसका हमने फ्लो चार्ट भी बताया था कि मैटर क्या है, मैटर कितने, फिजिकल मैटर, केमिकल मैटर, फिजिकल मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिजिकल मैटर में हमने पढ़ा था, फिर केमिकल मैटर में प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर, फिर हमने ऐसे क्लासीफाई किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल मैटर का। फिजिकल मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग में जो कि सबसे पहला आता है कि सॉलिड। अब तो पढ़े होंगे सॉलिड क्या है। द सब्सटेंस व्हिच हैज ए फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम एंड पार्टिकल्स आर अटैच्ड विद हाई इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड। जैसे ये मार्क बोट है, ये अब क्या है, सॉलिड, ठीक है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक, इट हैज ए फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। लेकिन दूसरा ये, इट हैज ए वेरी हाई डेंसिटी। तीसरा, इट हैज ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चौथा, इट डज नॉट फॉलो द ब्राउनियन मूवमेंट। ये सॉलिड सब्सटेंस जितने भी है, ये ब्राउनियन मूवमेंट को फुलफिल नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता। ये ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है, आपको पता है कि जिगजैग मूवमेंट को जो करेगा। अब जैसे मान लीजिए लिक्विड एंड गैसेस है ना, लिक्विड अब पानी बहा देंगे नीचे में, तो वो क्या देखते होंगे कि अपना रास्ता टेढ़ा मेढ़ा करके खुद बना लेता है, तो वो जिगजैग मूवमेंट करके चलता है। गैसेस कभी भी स्टेट में जिगजैग नहीं, तो जिगजैग मूवमेंट ही ब्राउनियन मूवमेंट है। तो इसलिए सॉलिड सब्सटेंस उस चीज को फॉलो नहीं करता, ठीक। कंप्रेसिबिलिटी, इट इज नॉट कंप्रेस, ये इजिली कंप्रेसिबल, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। अब दूसरा है लिक्विड। लिक्विड को हाउ कैन यू डिफाइन द लिक्विड, द सब्सटेंस व्हिच हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट डज नॉट फिक्स्ड शेप एंड साइज, दैट इज कॉल्ड द लिक्विड, ठीक है। एंड पार्टिकल्स आर अटैच्ड विद लूजली इंटरमोलिकुलर फोर्स, विद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कह सकते हो, है ना। इसलिए एग्जाम्पल में आप जो भी देखिए, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, नाइट्रोजन, सॉरी लिक्विड का है ना, वाटर, इसमें वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब, ठीक है। तो ये लिक्विड के एग्जाम्पल है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड अगर देखते हैं क्या, कि इट हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट डज नॉट फिक्स्ड शेप एंड साइज, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा, इट हैज ए लो डेंसिटी कंपेरिजन टू सॉलिड, इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन कंपेरिजन टू लिक्विड, ठीक है। तीसरा, इट फॉलो द ब्राउनियन मूवमेंट, इसमें ये ब्राउनियन मूवमेंट को फॉलो करेगा, क्योंकि लिक्विड सब्सटेंस जो भी होते हैं आप देखेंगे, चाहे आप पानी लीजिए, मिल्क लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो उसको आप अगर फ्लो करेंगे तो क्या करेगा, अपना रास्ता स्विंग बना लेता है, जिगजैग मूवमेंट करके चला जाता है, तो वो हो गया लिक्विड सब्सटेंस। तो इसलिए ब्राउनियन मूवमेंट को फुलफिल करता है। और अच्छा एक बात पता है कि सॉलिड में चूंकि मूवमेंट तो होती नहीं है, तो इसलिए इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी, जबकि लिक्विड में क्या होगा, मूवमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। नाउ गैसेस, द सब्सटेंसेस व्हिच हैज डज नॉट फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम, जिसका ना तो फिक्स्ड शेप होता है, ना ही साइज होता है, ना ही वॉल्यूम होता है। एंड पार्टिकल्स आर फ्रीली मूवेबल बिकॉज इट हैज
नेग्लिजिबल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, दीज आर गैसेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस। पहला पॉइंट देखिए, इट डज नॉट फिक्स शेप साइज एंड वॉल्यूम। दूसरा पॉइंट, इट हैज अ वेरी लो डेंसिटी इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। इट हैज वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन लिक्विड एंड सॉलिड। इट फॉलो द ब्रोनियन मूवमेंट इजिली। काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई। इट इज अ हाईली कंप्रेसिव। Liquid are also compressible, but in comparison to liquid, gases are highly compressible. We can compress easily. So these are the characteristics of gases. Example, जैसे कि हम CNG, compressed natural gas, LPG, liquefied petroleum gas, PNG, pipe-lined natural gas. ये होता है metropolitan cities समें। बड़े बड़े जो अपार्टमेंट होते हैं वहां पर पीएनजी का ही हो, डायरेक्ट किचन में, उसके किचन में वो पाइपलाइन गैस चला जाता है ना, जिसकी वजह से वो उसको सिलेंडर, जिस तरह से हमारे यहाँ आपके क्या होता है कि सिलेंडर आते हैं, एलपीजी वाला आएगा तब खाना बनेंगे, लेकिन वहां ये नहीं होता। मेट्रोपोलिटन सिटीज में होते क्या है कि आप वहां पर डायरेक्ट बड़े बड़े अपार्टमेंट सब में जितने भी होते हैं वो पीएनजी का यूज होता है, ठीक, वो लाने ले जाने का झंझट वगैरह साफ खत्म। ओके, तो ये थे सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसका बाद बाकी जो दो स्टेट है प्लाज्मा स्टेट और बीईसी स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या फिर वो लास्ट में पढ़ना होता है। अब इसका देखिए, अब जैसे यहां पे लिखिए सॉलिड कन्वर्जन लिक्विड और गैसेस, ठीक। व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड, इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द फ्यूजन। When liquid changes into its solid after decreasing the temperature, that is called solidification. Okay? When liquid changes into gaseous state, yeah, the conversion of liquid into gaseous state after increasing the temperature, that is called evaporation. When gaseous substance changes into its liquid state after decreasing the temperature, that is called condensation. And when solid changes into its gaseous state without changing the liquid state, that is called sublimation. Again, when gaseous substance changes into its solid state, that is also called sublimation. Desublimation बोलते हैं, वही चीज हुआ, अगेन हो गया सब्लिमेशन। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, नेप्थिलीन, एंथ्रासीन, केम्फोर, अमोनियम क्लोराइड, ये सब सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। कि सेकेंड चैप्टर में इस मैटर अराउंड अस प्योर में जब हम लोग सेपरेशन टेक्निक पढ़ेंगे तो वहां पे सब्लिमेशन को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है, कैसे सब्लाइम करता है सॉलिड से गैस में, गैस टू सॉलिड, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आप लोग लिख भी देंगे डिटेल से, समझ गए होंगे कि फ्यूजन क्या है, सॉलिडिफिकेशन क्या है, वेपरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, इसके बाद सब्लिमेशन क्या है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर
पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कैरेक्टरिस्टिक है और फिर जाके इसके फिजिकल स्टेट वगैरह, लेटेंट हीट है, बहुत सारी चीजें अभी पढ़ने के लिए इस चैप्टर में, ठीक है। तो आप लोग इतना तक लिख लेंगे, घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और नोट्स बना के उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, गुड बाय।